हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में और उस प्रोडक्ट का नाम टाबोली है। तो आज हम टाबोली प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसमें क्या टेक्निकल पाया जाता है, इसको हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, इसके क्या कार्य हैं, ये क्या फायदे करता है आपकी फसल में, और इसको हम कब प्रयोग कर सकते हैं, कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसकी कितनी मात्रा हमको फसल पर प्रयोग करनी चाहिए, इसकी कीमत क्या है, तो सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में न तो हम किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं और ना ही किसी भी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं, हम एक एजुकेशन पर्पज के हिसाब से वीडियो बना रहे हैं, जिससे किसान भाइयों को और आप लोगों को एक सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। मार्केट में कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका किसान भाइयों को पता नहीं होता है और उन प्रोडक्टों का किसान प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है और आप इसको अपनी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम जो कि टाबोली है, और ये टाबोली सुमीटोमो कंपनी का एक प्रोडक्ट है। इसमें एक टेक्निकल पाया जाता है और उस टेक्निकल का नाम पेक्लोब्यूट्राजोल है, जो कि इसमें 40% SC फॉरम में पाया जाता है। ये एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। ये पौधों को बढ़ाने का काम भी करता है। अब बात करते हैं कि इसका जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये क्या क्या फायदे करता है। ये फसलों में अधिक से अधिक शाखाएं निकालता है और तेजी से शाखाएं निकालता है। इसके प्रयोग करने से जो प्रजनन की क्रिया होती है फसल में, जो प्रजनन की क्रिया होती है वो काफ़ी तेजी से होती है और अधिक संख्या में होती है। प्रजनन की क्रिया तेजी से और अधिक होने के कारण इस फसल में फूल और फलों की संख्या काफ़ी अधिक हो जाती है, और इसके प्रयोग करने से हमारी फसल की पैदावार भी काफ़ी बढ़ जाती है, और जो भी फूल होते हैं वो फूल फलों में अधिक परिवर्तित होते हैं और फूल झड़ने की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो आप जब भी इस टाबोली प्रोडक्ट का अपनी फसलों में प्रयोग कर रहे हैं तो ये काफ़ी फायदे करता है, और विशेष रूप से ये फ्लावरिंग स्टेज पर ये काफ़ी फायदे करता है। अब बात करते हैं कि इसको हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को आप लगभग सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मिर्च, टमाटर, बैंगन, सेब, आम, अंगूर, लीची, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, इनके अलावा सेम, मटर, भिंडी, इन फसलों में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इनके अलावा खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, इन फसलों में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट को आप अधिकतर उन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं जिन फसलों के फलों की बार बार तुड़ाई होती है, जैसे बैंगन की बार बार तुड़ाई होती है, टमाटर की बार बार तुड़ाई होती है, सेम की, मटर की, खीरा की, ककड़ी की, इनके फलों की बार बार तुड़ाई होती है, तो आप इन फसलों में इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का यदि आप अपनी फसल में प्रयोग कर रहे हैं तो कंपनी केवल 2 बार रिकमेंड करती है, आप एक फसल पर केवल 2 बार ही प्रयोग कर सकते हैं। और इसको एक बार प्रयोग करने के बाद यदि दूसरी बार प्रयोग कर रहे हैं तो एक बार से दूसरी बार प्रयोग करने का जो गैप होता है, जो अंतराल होता है दिनों का, वो लगभग आप 30 दिनों से 45 दिनों बाद आप इसका दूसरी बार प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको कब प्रयोग करना चाहिए और कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रोडक्ट को आप जब भी फसलों पर प्रयोग कर रहे हैं तो फसल पर प्रयोग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो, फ्रूटिंग स्टेज पर हो, उसी समय आप इस टाबोली प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको स्प्रे में ही प्रयोग कर सकते हैं। आप जब भी अपनी फसल पर छिड़काव कर रहे हैं तो छिड़काव के समय ही आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज की, इसकी डोज कितनी हमको प्रयोग करनी चाहिए। तो इसकी डोज काफ़ी कम लगती है। इसको आप प्रयोग कर रहे हैं तो यदि एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं तो 30 से 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप पंप के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 से 4 ml प्रति 15 लीटर पानी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम किस किस प्रोडक्ट के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको आप किसी भी फंजीसाइड के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी कीटनाशक के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं,
और भी आप जो भी फ्लोरिंग वाले जो टॉनिक आते हैं उनके साथ भी आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। इसकी कीमत अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भी हो सकती है, रेट घट बढ़ भी सकती हैं, तो हम एक अनुमानित कीमत आपको इसकी बता दे रहे हैं। इसकी 30 ml की पैकिंग आपको मार्केट में लगभग 350 रुपये से 400 रुपये के बीच में मिल जाएगी, और कीमतें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भी हो सकती हैं। और आपके यहाँ एक किस रेट में मिल रहा है आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो ये सुमितोमो कंपनी का ये प्रोडक्ट जो कि टावोली, ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है फ्लावरिंग स्टेज के लिए, और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज के लिए आप इस प्रोडक्ट को प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की क्रिया कम हो रही है तो आप इस प्रोडक्ट को बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आता है। यदि हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।